अच्छा लग रहा है ना, मैं बैठा दी सीता रानी पहनना सीता रानी पहनना है क्या? जी कौन सा हार बोलते हैं इसको? यही तो लक्ष्मी माला है। अच्छा ये अच्छी लगती है मैडम माला। वापस में क्या फिर काटिए 150 बाप 150 दो रुपया की पैसे भी आते बेचने आते 150 वापस दुकान में से मिल जाएगी 200 बहुत पड़ने लगी गलती आ गई बिल्कुल भी नहीं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं मार्केट और उसके लिए गए हैं रेडी क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा कुछ सामान वामान खरीदना, थोड़ा कुछ काम है तो वो भी करना है अपना। मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर ले तो आप सबको भी ले चलते हैं मार्केट में। मैं और दीदी जा रहे हैं दोनों मार्केट में, दीदी कुछ सामान खरीदना था और मैं उनके साथ जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मैं ऐसे ही साथ में जा रही हूँ तो देखते हैं क्या। और हाँ दीदी मेरे को पहनाने वाली है चूड़ी क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, इधर इस साइड में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ननद भाभियों को चूड़ी पहना रही है, मतलब सुहाग की चीज़ पहना रही है तो दीदी मेरे को पहनाएंगी। तो लास्ट में घर पे आके जब मुझे पहनाएंगी तब मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। और अभी चलते हैं देखते हैं कैसे, मतलब कैसी चूड़ी मैं खरीदने वाली हूँ और क्या क्या लेने वाले हैं हम लोग मार्केट में, कौन से मार्केट में जाने वाले हैं। आप लोग साथ में बने रहिए ब्लॉग में बने रहिए तभी आप सबको पता चलेगा कि कहाँ पर जा रहे हैं। तो चलते हैं, दोनों जने आ रहे हैं, मस्ती करते करते जाएंगे। मौसम भी मस्त है अपना, धूप कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से जाएंगे पैदल फिर वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे वहाँ से मार्केट में। सो बने रहिए, क्या क्या खरीदते हैं मार्केट का भी नज़ारा दिखाते हैं आप सबको। तो चलो जल्दी क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत कम हुई है, देखो सो रहे हैं जी। यहाँ पर देखा जो पेड़ लगा है ना जी, काय का पेड़ है देखो, इतने सारे नींबू लगे हैं, चलो अपन तोड़ लिया है। नींबू लगे ना और काय काय के लगे, ये देखो अमरूद का पेड़ लगा, इसमें लगे हैं दादी अमरूद लगे होंगे लेकिन अब नहीं है। और भी है ना पेड़ बहुत सारे, चलो कोई जगह आएगा हमारे पेड़। ए बगिया इसी से बोलते हैं दीदी, वो दूसरी वाली रास्ता है बगिया वाली है ना, यहाँ पर पार्लर वगैरह बहुत खुल रहे हैं। बस हम लोग आ गए हैं बिल्कुल रोड के पास में, अब पता नहीं चलता है। और पहले जब नए नई शादी हुई थी तब मैं आती थी, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कितनी दूर मार्केट है। और देखो वो कुआ है जिसके ऊपर टेम्पो खड़ा है ना, कुआ था वो पहले, उसके ऊपर अभी जाल डाल दिया है, उसको बंद कर दिया क्योंकि पहले बहुत हादसे हो जाते थे बताते हैं यहाँ पे। अभी तो जो गली काफ़ी साफ रहने लगी है, पहले बहुत डर लगता था, इधर चैम्बर वगैरह भी खुले रहते थे। और मैं आज संडे भी है, आज मार्केट में बहुत भीड़ होगी, मुरार की आज मंडी होती है क्योंकि मुरार में आज बहुत ज़्यादा आट लगती है। बस क्या कहते हैं मार्केट रोड पर पहुंच गए, फिर पकड़ेंगे यहाँ से टेम्पू फिर सीधा मुरार के लिए प्रस्थान। पहले मैंने दीदी ने सोचा कि कहाँ जाएं, फिर सोचा कि चलो मुरार ही चलते हैं वही बेस्ट है। पिंटू पार्क का कुछ ऐसा ज़्यादा खास समझ में आता नहीं है और ज़्यादा दूर हम लोग जाते नहीं हैं, पड़ रही और एक भी टेम्पू वाला नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है उसको आप देना है अभी, पता रोकेंगे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सो फाइनली बैठ गए हैं टेम्पू में और हमेशा यहाँ पर खड़े रहते ना तो बड़ी दिक्कत आ जाती क्योंकि मौसम तो ठीक है बट थोड़ी थोड़ी उमस टाइप की हो रही है। बस अभी थोड़ी देर बाद मार्केट में उतर के फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। दीदी कोई चाहिए क्या, चाहिए क्या? साड़ी दिला इस बार दीदी को मैंने कुछ नहीं दिला पाया क्योंकि दीदी एकदम सडनली ऐसा कुछ प्लान नहीं था दीदी का भी, और दिला दी थी मेरे को तो रक्षाबंधन अभी दिलाएंगे लोग देखते हैं ब्लॉग बना रहे हैं देख लो अच्छे से अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो क्या कर रहे हैं तो बता देती हूँ, आई एम ए ब्लॉगर। सो बस थोड़ा बहुत सामान कह दो, मैं इतना बन के आई हूँ, मैं आज ब्लैक बन के आई हूँ क्योंकि मेरे को ब्लैक कॉम्बिनेशन, और मेरे को कुछ नहीं मार्केट में जाना था सिर्फ और इतना ब्लैक। ट्रैफिक 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 जम हो गया, वाली बिल्डिंग बताना चाहती थी, पीछे बिल्डिंग निकल गई है, वो वाली बिल्डिंग की स्टोरी कभी सुनाएंगे, कितनी बार टूटी थी दी? से कम नहीं तो 10 बार, 10 बार बिल्डिंग टूटी, 10 बार बिल्डिंग बताते हैं जी। अभी उस साइड से आऊंगी ना तब पक्का बताऊंगी, वो वाली बिल्डिंग पे केस चल रहा था, मेरी शादी कोई 8 साल हो गए, मैं ही देख रही हूँ जब से 3 बार टूट गई और 4th बार बन गई और उससे पहले भी 4-5 बार टूट गई थी क्योंकि दो पार्टियों में उसके बीच बड़ा लड़ाई चल रही थी ना।
क्या लेना है क्या नहीं सोच के तो आए थे, पर कुछ कुछ कभी कभी मार्केट में बिना सोचे ही बहुत कुछ खरीद लेते हैं। दूसरे मार्केट में जाने की भी सोचते नहीं है, क्योंकि अपन लोग को होता है ना किसी चीज का नॉलेज होता है, हम लोगों को इस मार्केट की पूरी नॉलेज है, हमें पता रहता है कहाँ पे क्या चीज मिल रही है, तो क्यों बढ़ के किसी और मार्केट में जाके, तो यही बेस्ट है। और जैसे कभी कभार बड़ी शॉपिंग करनी है, कुछ अच्छा खरीदना है पार्टी वेयर, तो हम लोग सिटी सेंटर या फिर मॉल वगैरह चले जाते हैं, और थोड़ा बहुत सामान के लिए मुरार बेस्ट है। अभी तो जगह जगह कॉम्प्लेक्स और बिग बाजार मार्ट वगैरह ये सब खुल गए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है कुछ। मार्केट में देखो कितने सारे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा देखेंगे पूरे में, क्योंकि परसों की है गणेश चतुर्थी, तो ये जो ग्रीन है ना वो मस्त लग रही है। अपन को तो सब चीज मस्त लगती है, चुपचाप फोकस नहीं करना है साड़ियों की साइड में ज्यादा। इतने प्यारे प्यारे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना। मैं बिठा लेती पर अगली साल लगे भगवान है तो सही बात है। सीता रानी पहनना सीता रानी पहनना है क्या जी? कौन सा हार बोलते हैं इसको? यही तो लक्ष्मी माला है। अच्छा जी, अच्छी लगती है मटन माला। ब्लर कर जाता है ज्यादा पास पास कोई चीज देखो तो, अंकल रख दिए ब्लर हो रही है, इतने प्यारे लग रहे हैं ना। हेलो जी वाले लियो डिजाइन है, बताई थी ना वो वाली मल्टी ये निकल गई है, और मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ना, ये मल्टी है ना, यही वाली मल्टी थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो शॉपिंग तो हो गई, तो फाइनली गाइस शॉपिंग तो हो गई है, काफी सारी शॉपिंग हो गई है, मैं सब सीधे निकलेंगे घर पे। और मैंने गोलगप्पे नहीं खाए, क्योंकि गोलगप्पे जिस वाली शॉप पे हम लोग गोलगप्पे खाते थे उस पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, फिर इच्छा नहीं हुई कि वहाँ पे 10-15 मिनट फालतू खड़े रहे, इससे अच्छे अपने घर पे चलो कुछ खा लेंगे। वैसे भी चाय का टाइम हो चला, हम लोग 3 बजे निकले थे घर से और 5:30 बजे चले हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी टाइम हो जाता है। और आज गणेश जी, आज तीज भी था, उसके बाद गणेश चतुर्थी भी है परसों, उसके बाद काफ़ी त्यौहार हैं, तो भीड़ ज़्यादा थी मार्केट में, तो अब चलो सीधा घर पर जाएंगे। Hey guys, so finally आ गए हम लोग घर पे, और घर पे आए हुए हो गया है काफी 1.5 घंटा हो गया, हम लोग आ गए थे 5:30 बजे घर पे आ गए थे, और जब से आके मैंने थोड़ी शॉर्ट वीडियो बना ली, उसके बाद थोड़ी इंस्टा के लिए रील बना ली। हाँ, और जिन लोगों को मेरी इंस्टा आईडी नहीं पता, लोगों को मेरी इंस्टा आईडी पता नहीं है, वो जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, मेरी आईडी है पूजा गुर्जर 65 के नाम से, सो जाके जल्दी से फॉलो कर लो, उसमें अच्छी अच्छी रील्स मिलेंगी, जो कि बढ़िया बढ़िया रील्स बनाती हूँ मैं, और कुछ शॉर्ट वीडियो मैंने बना ली है जब से बैठी थी। सो मैंने सोचा कि साड़ी पहनी है तो थोड़ा साड़ी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि साड़ी रोज़ तो पहनती नहीं हूँ, जब कभी कहीं जाती हूँ तभी साड़ी पहनती हूँ। और शॉपिंग क्या क्या करके लाई है जरूर आप लोगों को एक्साइटमेंट हो रही होगी, पर मैं नहीं बताऊँगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करके लाई हूँ, थोड़ी बहुत ही लाई हूँ, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर लेके आई हूँ। तो जैसे कि आप वीडियो में पहले आप लोगों को बता ही दिया था कि मेरी सिस्टर मुझे चूड़ी पहनाने वाली हैं, और ये हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में, जैसे कि ट्रेंड में वीडियो चलती है ना, वैसे ही हम लोगों में ट्रेंड में चूड़ियाँ चल रही हैं, कि ननद भाभियों को चूड़ी पहना रही हैं, श्रृंगार का सामान बांट रही हैं, फिर बाद में मैं दीदी को कुछ भी साड़ी वाड़ी, मतलब ऐसे श्रृंगार के बदले में अपन भी सुहाग दे दो या साड़ी दे दो, जो भी दे दो, तो दीदी तो जल्दी चली जाएंगी, तो मैं दीदी के लिए बाद में लूंगी अच्छी सी साड़ी, अभी दीदी ने मेरे लिए ले लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगी। तो मैं सोच रही हूँ, अभी तो देखो नहाया नहीं है, मैं सुबह नहाया था, तो अपना अभी मैं बाजार वजार हुआ ही तो अभी नहीं पहनूंगी मैं, मंडे को, कल मंडे है तो कल बढ़िया मैं नहा के चूड़ी वाला ब्लॉग मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो कल दीदी मुझे अपने हाथों से पहनाएंगी। तो कल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में दीदी अपने हाथों से मुझे चूड़ी पहनाने वाली है, और इतनी प्यारी कंगन है मेरे, इतने प्यारे कि आप लोगों का तो दिल ही आ जाना है, जो भी लेडीज देखती हैं वो बहुत ही प्यारे। दीदी ने मेरे जो मेरा राजस्थानी वेश है ना, पोशाक बोलती है जिसको, उसी के मैचिंग के अकॉर्डिंग में कुछ ऐसा ही डिफरेंट सा दिलाया है, तो जिन लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी तो नेक्स्ट वीडियो देख पाओगे आप लोग, सो जाके सब्सक्राइब कर लो। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि अच्छी सी नोटिफिकेशन भी आ जाया करे आप लोगों के पास, पता तो चले कि मेरी वीडियो आ रही है, शॉर्ट वीडियो आ रही है, और मैं बढ़िया बढ़िया मोटिवेशन वाली मेरी शॉर्ट वीडियो आती है, तो वो भी आप लोग देख लिया करो।
सो बाय, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।